हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट दिया गया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात अदालतों को कही है, बड़ा निर्देश दिया है, बड़ी नसीहत दी है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले केस का एक ब्रीफ मैं आपको दे दूं। केस बेसिकली सूट फॉर पार्टीशन, पोजीशन एंड परमानेंट इंजेक्शन का था। दिल्ली के एक व्यक्ति हैं जो उन्होंने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किए थे। सिविल कोर्ट में जो व्यक्ति सूट फाइल किए थे, प्लेंटिफ वादी, वो सूट जीत गए। डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी जो है केस हार गए। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील में गए। अपील में वहां पे केस वो हार गए। अपीलेंट जब केस हार जाते हैं, फिर उसके बाद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपील में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में गए तो उनको जब जजमेंट दिया गया, तो जजमेंट देते समय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को क्या बड़ी बात कही, इसके बारे में आइए जानते हैं। लेकिन इससे जानने से पहले आपको मैं सबसे पहले केस का टाइटल, केस नंबर और डेट ऑफ जजमेंट बता दूं। केस का टाइटल है विक्रांत कापिजा एंड एनोदर वर्सेज पंकजा पांडा एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट 10 अक्टूबर 2023 का है और SLP नंबर जो है वो 6793 ऑफ 2023, 6793 ऑफ 2023 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट को देते समय सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को कहा कि अदालतों को मुकदमे के आंशिक न्याय निर्णयन से बचनी चाहिए और एक ही कार्यवाही में पार्टियों के सही हक और हिस्सेदारी का फैसला करना चाहिए और कार्यवाही की बहुलता पार्टियों को मुकदमेबाजी के नए दौर में धकेलने से बचना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि सिविल सूट का नाम सुनते ही लोगों को डर हो जाता है, क्योंकि सिविल सूट कोर्ट में बहुत दिनों तक चलता है, ऐसा लोगों का धारणा है, और कोर्ट में प्रोसीडिंग चलता भी है बहुत दिनों तक। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है अदालतों को, वो सही है पूरे तरीके से, क्योंकि पार्टी जो है एक ही चीज के लिए बार बार कोर्ट में, लिटिगेशन में, मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग्स में क्यों जाएं, क्यों एक ही चीज के लिए बार बार कोर्ट में जो है केस दायर करें। कभी वो पार्टीशन का सूट डालते हैं, कभी सूट फॉर पोजीशन और फिर परमानेंट इंजेक्शन में चले जाते हैं। कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स बहुत दिनों तक चलती है, जिसके कारण से व्यक्ति कभी कभी परेशान हो जाते हैं। सिविल सूट में खासकर ज्यादा देखने को ये मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये बात जरूर लगा होगा कि जो निचली अदालतें हैं, जो सिविल कोर्ट जो है वो, या फिर हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने कुछ उसमें गड़बड़ी करी, जिसके कारण से वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट अपील में आ गए। तो इन्हीं सब से बचने के लिए उन्होंने अपने फैसले में, अपने जजमेंट देते समय ये बात कही कि अदालतों को मुकदमे के आंशिक न्याय निर्णयन से बचनी चाहिए और एक ही कार्यवाही में पार्टियों के सही हक और हिस्सेदारी का फैसला करना चाहिए और कार्यवाही बहुलता पार्टियों को मुकदमे में के नए दौर में धकेलने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों को जजमेंट डिटेल में पढ़ना हो तो आप गूगल में जो केस का टाइटल है, विक्रांत कापिजा एंड एनोदर वर्सेस पंकजा पांडा एंड अदर्स, ये गूगल में सर्च कर सकते हैं और डिटेल में जजमेंट पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।